नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन कुंडल एक बार फिर अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों के लिए कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज लेकर आया हूं, जो कंट्रोल से के साथ चलती हैं और ये कंट्रोल की और जो होंगी वो नंबर के साथ ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट चलेगी। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इनकी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए किसके लिए चलता है, सभी स्टूडेंट से पूछना चाहते। कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट, इट सिलेक्ट द इंटायर मैटर, चाहे वो आपकी एक पेज हो, दस पेज हो, जब आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरे के पूरे मैटर को सिलेक्ट करती है। कंट्रोल बी से होता है मेरा बोल्ड। अब बोल्ड किस तरह से काम करता है, जो भी आपने मैटर लिखा होता है इसको थोड़ा सा अलग से शेप में बदल देता है, इसकी मोटाई जो अक्षरों की वो दे देता है इसमें, ठीक है। और कंट्रोल सी से होता है मेरा कॉपी। जब भी आप कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे तो वो आपको दिखता नहीं है ये, पर जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल बी चलती है मेरी। अब कंट्रोल डी, कंट्रोल डी जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, और डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है, डायलॉग का मतलब होता है संवाद करना, जब हम किसी चीज के साथ संवाद करते हैं। तो ये कंट्रोल डी से आएगा मेरा फॉन्ट बॉक्स, और कंट्रोल ई है मेरी नेक्स्ट, कंट्रोल ई से होता है मेरा सेंटर। जब भी आपने कुछ लिखा होगा कीबोर्ड में तो ये आपको इस तरह से, मानो ये आपका पूरा कीबोर्ड की स्क्रीन है, तो कुछ अक्षर जो होंगे वो सेंटर में आएंगे, कुछ लेफ्ट में आएंगे, कुछ राइट में आएंगे, पर ई से आपका सेंटर में होता है। जब मेरा कंट्रोल एफ, इट हेल्प्स यू टू फाइंड द स्पेसिफिक वर्ड विद इन द पैराग्राफ, जब आप किसी भी अक्षर को ढूंढना चाहते हैं तो वो आप कंट्रोल एफ अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल जी का यूज होता है जंप करने के लिए, या तो आप पेज पे जंप कर लीजिए या आप किसी लाइन पे जंप कर लीजिए। कंट्रोल एच चलता है मेरा रिप्लेस, मान लीजिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में राम लिखा है और आप राम की जगह सीता करना चाहते हैं, तो जब कंट्रोल एच का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आप अक्षरों को चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोल आई से आएगा मेरा इटैलिक, इटैलिक जो होता है वो अक्षरों को थोड़ा तिरछा कर देता है। अब नेक्स्ट चलता है मेरा कंट्रोल जे, कंट्रोल जे जो होता है वो मेरा जस्टिफाइंग से होता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में पैराग्राफ देखते हैं तो पैराग्राफ जो होगा वो आपका इक्वल फॉर्म में आएगा। अब चलते हैं कंट्रोल के, कंट्रोल के इज नोन एज हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक से क्या होता है बच्चों, हाइपरलिंक से क्या होता है, इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू अटैच। अब नेक्स्ट है मेरा कंट्रोल एल, ये इसे हम अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं, कंट्रोल एल से क्या होगा मेरा लेफ्ट। और कंट्रोल एम, जब भी आप कंप्यूटर स्क्रीन में काम करेंगे तो ऊपर जो मेरे रूलर बार होती है उसमें इडेंट बने होते हैं, और इडेंट जो होंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसे आगे मूव करेंगे। कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल एन इज यूज टू ब्रिंग ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन। कंट्रोल प्लस ओ इज यूज टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है मेरा कंट्रोल प्लस पी, इससे प्रिंट होता है, जब भी आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट किस लिए है मेरी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल क्यू, सॉरी कंट्रोल क्यू चलता है मेरा पैराग्राफ मूवमेंट के लिए। और कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट, कंट्रोल एस से सेव, और कंट्रोल टी से क्या होता है, कोई भी बच्चा जो बता सकता है कंट्रोल टी से क्या होता है, क्या बताया मैंने, हैंगिंग। इसमें जो होगा आपका जो पैराग्राफ की पहली लाइन होती है वो पूरी की पूरी एज इट रहेगी, अदर लाइन जो होगी वो इस तरह से आपकी शिफ्ट करती चली जाएंगी। नेक्स्ट चीज क्या है मेरी, कंट्रोल यू, यू से होगा मेरा अंडरलाइन, जब कभी आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द मैटर, देन यू हैव टू प्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ की कंट्रोल प्लस यू दैट कन्वर्ट योर टेक्स्ट विद अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस बी इज यूज फॉर पेस्ट, पर ध्यान रखना पेस्ट से पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा, और जब आप कॉपी चलाते हैं तो कंट्रोल और सी जब करेंगे तो वो आपको दिखाई देता है या नहीं, जब आप पेस्ट करते हो तभी आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है मेरी कंट्रोल एक्स, इट इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग द मैटर दैट यू हैव सेलेक्ट।
अच्छा सॉरी कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू से होगा मेरा क्लोज डॉक्यूमेंट। जब आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। कंट्रोल एक्स इज यूज फॉर सेलेक्ट कट द एंटायर मैटर, कंट्रोल प्लस वाई ये रीडो, ये आपस में भाई बहन है वाई और जेड। सबसे पहले जब मैं कंट्रोल जेड अप्लाई करूंगा उसके बाद ही मेरा वाई होगा। कंट्रोल जेड से क्या होता है, इट हेल्प्स टू रिवर्स द लास्ट एक्शन। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।